राजस्थान की सियासी संकट टलने के साथ सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात के कयास लगाए जा रहे हैं। गुरुवार को यह इंतजार खत्म हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार सचिन पायलट सीएम अशोक गहलोत ने 3 दिन बाद आज मुलाकात कर सकते हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि जयपुर में आज होटल फेयरमोंट में कांग्रेस की ओर से होने वाली विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट खेमा भी शामिल होगा, जहां सभी गिले शिकवे दूर करने की कोशिश होगी। विधानसभा सत्र से 1 दिन पहले होने वाली इस बैठक में कांग्रेस अपनी रणनीति भी तय करेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मुलाकात के बाद मिले भरोसे के बाद सचिन पायलट जयपुर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि भले ही सरकार सियासी संकट से बाहर आ गई हो, लेकिन अभी भी यह कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच तिलखियां कम नहीं हुई है। इसका उदाहरण इस रूप में भी देखा जा रहा है कि मंगलवार को जयपुर पहुंचे सचिन पायलट से सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात नहीं की। उन्होंने सचिन से मिलने के बजाय जैसलमेर जाने का विकल्प चुना, जहां बाड़ाबंदी में गहलोत समर्थक विधायक ठहरे हैं। खास बात यह है कि बीते दिन बुधवार को सीएम अशोक गहलोत ने जैसलमेर पहुंचकर मीडिया से बात की। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि जो विधायक गए थे वो वापस आ गए हैं। हम सभी सारे गिले शिकवे दूर कर एक साथ मिलकर काम करेंगे। विधायकों की नाराजगी को लेकर गहलोत ने इस दौरान कहा कि उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। सभी विधायकों को मैंने समझाया है कि राजनीति में लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए सहन भी करना पड़ता है, लिहाजा सभी ने मेरी बात का सम्मान रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया है। इधर मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट भी गहलोत के निकम्मा व नकारा बयान को लेकर दुख जता चुके हैं। पायलट ने कहा कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे दुख और निराशा हुई। पायलट ने कहा कि हमारे पास बड़ा मिशन है, राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में कहा जा सकता है कि ऐसे कई कड़वाहट सचिन पायलट और गहलोत के बीच है, जिसे कम होने में अभी काफी वक्त लगेगा। कांग्रेस के बीच सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अंतर्कलह सामने आने के बाद विधायकों ने बागियों को वापस कांग्रेस में शामिल होने पर नाराजगी जताई है। इसे संबंध में विधायक प्रशांत बैरवा भी अपना बयान दे चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम पार्टी के साथ खड़े थे, इसलिए हम आहत महसूस कर रहे हैं। बैरवा ने कटाक्ष करते हुए मीडिया में कहा है कि आप एक ही दाम में दूध और पानी नहीं खरीद सकते, लिहाजा साफ है कि आज दोनों खेमों की मुलाकात सामान्य मुलाकात नहीं मानी जा सकती है।